नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की, जो जैसा कि अपेक्षित था, जैसी कि चर्चा थी, अंततः वो गए। मतलब उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो अगले 5 नवंबर को जो राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसमें वो उम्मीदवार नहीं होंगे। और इस तरह उन्होंने अपनी पार्टी को, डेमोक्रेटिक पार्टी को, कहा जा सकता है कि एक मझधार में छोड़ दिया। आप अगर अमेरिका की राजनीतिक स्थिति पर गौर करें तो एक तरफ रिपब्लिकन पार्टी है जिसने अभी अभी पिछले हफ्ते अपना सम्मेलन किया, औपचारिक रूप से अपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार का चयन कर लिया। वैसे तो ये पहले से ही तय था कि वो डोनाल्ड ट्रंप हैं जो होंगे, लेकिन उन्होंने औपचारिक रूप से भी उसकी औपचारिकता भी पूरी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का भी ऐलान कर दिया, जेडी वांस हम लोग जानते हैं। और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक पार्टी है जिसका कैंडिडेट ही अब बीच रास्ते में, जब सिर्फ मतदान में 105 दिन बचे हैं, 3 महीने 15 दिन यानी 3.5 महीने, जब चुनाव प्रचार शुरू होने का वक्त आ चुका है पूरी तरह से, उस समय अब पार्टी के सामने समस्या है कि कैंडिडेट कौन है, उसको नया कैंडिडेट चुनना है। तो इससे समझा जा सकता है कि राजनीतिक स्थिति में वहाँ कितनी असमान हो गई है, कितनी गैर बराबर एक स्थिति हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही एक उनका मूव बना हुआ है, खासकर जब से उन पर हमला हुआ है उनकी लोकप्रियता बहुत बढ़ गई है। उनके पक्ष में तमाम तरह के पूंजीपति और जो अलग अलग जो सोशल ग्रुप्स होते हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में डेमोक्रेटिक पार्टी क्या मुकाबला करेगी ये तो बाद की बात है, उनका चेहरा कौन होगा यही अनिश्चित हो गया है। जाते जाते जो बाइडेन ने ये कहा कि हम समर्थन करते हैं जो उनकी उपराष्ट्रपति थी उनके टाइम में, यही हैं कमला हैरिस का, ये होंगी इनको मैं अपना समर्थन देता हूँ उम्मीदवार बनने की। लेकिन जो उनके पहले के राष्ट्रपति हैं बराक ओबामा, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि डेमोक्रेटिक पार्टी अगले महीने जो उनका कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन होने वाला है उसमें अपने उम्मीदवार का चयन करें। यानी बराक ओबामा ने कमला हैरिस का समर्थन नहीं किया। और आज भी जो लोग डेमोक्रेटिक पार्टी की पॉलिटिक्स को जानते हैं उसमें बराक ओबामा को सबसे बड़ा मैनिपुलेटर समझा जाता है। वो अभी भी ऐसा माना जाता है कि पार्टी में सत्ता के जो सूत्र हैं वो बहुत सारे सूत्र उनकी उंगलियों में बैठे हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जो वहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थी हैं, तत्व हैं, जो लॉबिस्ट हैं, जो कॉर्पोरेट घराने हैं, इनके साथ उन्होंने अपने राष्ट्रपति रहने के समय एक ऐसा तालमेल बना लिया था कि वो इन पर आज भी भरोसा करते हैं। और 2020 में, बल्कि 20 में और उसके पहले 16 में, जब डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर एक चैलेंज पैदा हुआ और एक बर्नी सैंडर्स नाम के व्यक्ति जो अपने को सोशलिस्ट कहते हैं उनका इमरजेंस हुआ, और उससे जो सत्ता, जो शासक वर्ग है उसमें एक चिंता पैदा हुई, तो उन्होंने बराक ओबामा के माध्यम से ही चीज़ों को मैनिपुलेट किया 2016 में। हालांकि बर्नी सैंडर्स को ज़्यादा समर्थन था, फिर भी उन्होंने हिलेरी क्लिंटन को कैंडिडेट बनवाया। और 2020 में फिर ये कहानी दोहराई गई जब जो बाइडेन को लाया गया, जिनकी सेहत को लेकर तब भी सवाल, और पूरे 4 साल में ये सवाल बने रहे। पिछले 2 साल में तो जो बाइडेन का जो व्यवहार था कि वो अभी चलते हुए कभी स्टेज से किसी दूसरी तरफ चल देते थे, उनकी जुबान इतनी लड़खड़ाती थी कि वो कुछ का कुछ बोल देते थे। वो अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वाइस प्रेसिडेंट बता दिया, और इस तरह की ये अनगिनत उनकी ऐसी कहानियां चर्चित रही हैं। इसके बावजूद जो बाइडेन पर डेमोक्रेटिक पार्टी ने उस समय भी दांव लगाया, और अभी 27 जून तक उसने लगा रखा था, जिस दिन जो बाइडेन की ट्रंप के साथ CNN चैनल पर बहस हुई, और उसमें ये बहुत साफ हो गया कि जो बाइडेन की दिमागी हालत नहीं है कि वो किसी भी सार्वजनिक पद पर रहे।
क्योंकि वो वहाँ पर जो जो एक उम्र बढ़ने के साथ बीमारी होती है डिमेंशिया, उसके सारे लक्षण उनको वहाँ पर नजर आए। बीमारी किसी को भी हो सकती है, बीमारी कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसके आधार पर किसी व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाए, लेकिन अगर बीमारी किसी को हो रही है तो उसको इस बात को स्वीकार करना चाहिए, उसके आसपास के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, उसे इस जिद पे नहीं रहना चाहिए कि हम फिर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ें। जो बाइडेन इस जिद पे अड़े हुए हैं, हालांकि यह भी चर्चा है कि वो अड़े हुए हैं या उनके पीछे कुछ लोग हैं जो उनको सामने करके इस जिद पर थे, क्योंकि ये सवाल उठा 27 जून के बाद कि अमेरिका का शासन चला कौन रहा है, क्योंकि जो बाइडेन की दिमागी हालत तो ऐसी नहीं लगती है कि वो सारे फैसले वो लेते हों। तो जाहिर है कि कोई एक समूह है, एक ग्रुप है जो पीछे से सारे फैसले लेता है, और वो चाहता था कि बाइडेन बने रहें तो उसकी सत्ता चलती रहेगी। लेकिन उस दिन जो टीवी पे दिखा उसके बाद माहौल बदलने लगा, और अमेरिकी चुनाव में जो सबसे ज़्यादा जिनकी भूमिका होती है, जो वहाँ का कॉर्पोरेट क्लास है, जो वहाँ के टेक जो टेक्नोलॉजी के जो बिलियनेयर्स हैं, जो चंदा देते हैं, अमेरिका का चुनाव बहुत ही महंगा चुनाव होता है, और उसमें जो अरबो डॉलर नहीं जुटा सकता है वो उस चुनाव में नहीं टिक सकता, और वो जो चंदा देने वाले लोग हैं, जब वो चंदा देते हैं तो उनके कुछ स्वार्थ होते हैं, वो एक लेन देन का संबंध होता है। तो ये जो फंडर हैं, जो चंदा देते हैं, ये इन्होंने अपने हाथ वापस खींचने शुरू कर दिए, और 27 जून के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का चंदा जो है, जिसको कहते हैं, बिल्कुल डिप कर गया, नीचे चला गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो जो बाइडेन पे दांव नहीं लगाएंगे। उसके बाद सारी घटनाएं ऐसी हुई कि पार्टी के भीतर भी इनका लोग इनसे समर्थन वापस लेने लगे। ऐसा कहा जाता है, जो अमेरिकी मीडिया में ये चर्चित है, कि जो बाइडेन को सबसे ज़्यादा झटका तब लगा जब बराक ओबामा ने उनको ये मैसेज भेज दिया कि आपका जितना मुश्किल है आप जो है वो आपको हट जाना चाहिए, और उसका ही असर ये दिखा जब कल उन्होंने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवारी है उसको अस्वीकार कर रहे हैं, और इसके साथ उन्होंने कमला हैरिस को समर्थन देने की बात की। अब एक नई पूरी परी घटना वहाँ शुरू हो गई है, कौन बनेगा कहना मुश्किल है। एक चूंकि कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, जो बाइडेन ने उन्हें समर्थन दिया है, तो जाहिर है कि उनका नाम सबसे आगे अभी समझा जा रहा है, लेकिन हिलेरी क्लिंटन का नाम भी फिर से उछल के आ गया है सामने, बल्कि ओबामा की जो पत्नी है मिशेल ओबामा, उनका नाम भी चर्चित है, और ये कहा जा रहा है कि ओबामा संभवतः ये कोशिश करेंगे कि उनकी पत्नी को डेमोक्रेटिक पार्टी का कैंडिडेट बनवाया जाए। लेकिन कैंडिडेट कोई बने, सवाल यह है कि क्या वो कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप का मुकाबला कर पाए, क्योंकि आज माहौल पूरी तरह से जो जिस ढंग से बन गया है और किस तरह का एक मूव ट्रंप के पक्ष में बना हुआ दिख रहा है, और समय इतना कम बचा है कि उसको रिवर्स कर देना, पलट देना बहुत मुश्किल काम है। अमेरिका की चुनाव प्रणाली कुछ ऐसी है कि पूरे देश में वैसे तो 50 राज्य हैं प्लस एक हवाई 51 राज्य हैं, लेकिन वो सारे जो वहाँ चुनाव के नतीजे तय होते हैं, मुश्किल से वो 6 या 7 राज्य हैं जिनको कि स्विंग स्टेट कहा जाता है, जो अपना पाला बदलते रहते हैं। बाकी वहाँ का जो एक ढांचा ऐसा बन गया है, आबादी का स्वरूप ऐसा बन गया है कि कुछ राज्य जो हैं जहाँ पिछले 50 साल 60 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी कभी नहीं हारी है, वही हाल कुछ राज्यों में रिपब्लिकन्स के लिए है। तो ये जो 6-7 राज्य हैं, इन्हीं राज्यों से तय होता है कि राष्ट्रपति कौन बने। अभी के जो ओपिनियन पोल हैं उनके हिसाब से सभी 7 के 7 राज्यों में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत भारी 5 से 7% तक की बढ़त मिली। इसीलिए ये सवाल है कि ये तो ठीक है कि आप कैंडिडेट कोई और चुन लीजिए, लेकिन क्या वो कैंडिडेट ट्रंप के आगे टिक पाए, ये सवाल है। और वो अगर नहीं, अगर स्थिति ये है कि जो एक चुनाव ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है, तो उसका अमेरिका पर और आने वाली जो, चूंकि अमेरिका दुनिया की महाशक्ति है, उसकी बहुत, उसका पूरी दुनिया पर एक असर होता है, प्रभाव होता है,
और इसीलिए अमेरिका में की कोई घटना होती है तो हम लोग उसको इतनी बारीकी से उसको डिस्कस करते हैं। तो उस जो ये चुनाव होगा उसका बाकी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, आज ये सवाल दुनिया भर में इसके ऊपर चर्चा चल रही है। और हकीकत यह है कि दुनिया के ज्यादातर देश, जिसको कहा जा रहा है कि वो सेकेंड ट्रंप प्रेसिडेंसी के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, यानी अपने को अब वो इस बात पे एडजस्ट कर रहे हैं कि ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनेंगे और उसके बाद किस तरह के संबंध होंगे, किस तरह की चुनौतियां उन देशों के सामने आएंगी, इन सारे चीजों पर इन देशों में आकलन किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर आज जब हम लोग ये घटना हुई है, जब बाइडेन हट गए हैं, तो ये कहने का एक आधार है हम लोगों के पास कि ये चुनाव फिलहाल एक तरफा हो गया दिखता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इस हालत को लाने के लिए जो जिम्मेदार है वो खुद डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ जो बाइडेन है। उसकी दो वजह हैं। 2020 के चुनाव में इस पार्टी ने आम लोगों से जो वादे किए थे, नौजवानों से जो वादे किए थे, छात्रों के कर्ज माफ करने के जो वादे किए थे, एक पूरी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको बदलने के जो वादे किए थे, उसमें उन्होंने कोई वादा नहीं निभाया। और फिर पिछले दो साल में बाइडेन की स्थिति बिगड़ती चली गई, उनकी दिमागी हालत, लेकिन उनको ये बातें छुपाने की कोशिश की गई और उन पर पार्टी ने दांव लगाए रखा। और कुल मिलाकर इस दरमियान एक तरह से प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो व्हाइट हाउस के हाथ से निकलता हुआ दिखा। इन परिस्थितियों की वजह से आज वो सूरत बनी है जिसमें ट्रंप एक अनबीटेबल अपराजेय ताकत लग रहा है कि उनको हराना इस समय तो संभव नहीं दिख रहा। हालांकि अभी किसी भी चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, लेकिन आज की हालत यह दिख रही है। इसके अलावा एक जो बहुत अमेरिका की साख को नुकसान पहुंचाने वाली बात हुई है वो ये है कि ये सवाल उठ जाना कि क्या अमेरिका में राष्ट्रपति सिर्फ एक दिखावटी चेहरा होता है, उसके पीछे कोई ताकतें हैं, कुछ निहित स्वार्थी तत्व हैं, कुछ जो लॉबिस्ट होते हैं ये लोग सारे फैसले लेते हैं, राष्ट्रपति सिर्फ एक फिगर हेड होता है। ये सवाल इसीलिए उठा जैसा कि हम लोगों ने बात की कि अगर जो बाइडेन के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं थी तो किसके हाथ में थी, कौन चला रहा था। अमेरिका को लेकर बहुत पहले से वहाँ एक डीप स्टेट है जो सारी फैसले लेता है, वहाँ जो एक जो वहाँ की एजेंसियाँ हैं, FBI है, CIA है, ये वहाँ की सत्ता पर इनका उतना प्रभाव है जितना लोगों को आंखों से नजर नहीं आता है, ये सब बातें वहाँ पहले से चर्चा में। अब चूंकि जो बाइडेन के समय जो परिस्थितियां लोगों को नजर आई उससे इन चर्चाओं को और बल मिल गया, और ये अमेरिका के लिए एक इसलिए उनकी साख को नुकसान पहुंचाने वाली बात है कि इसका मतलब है कि चुनाव कोई जीते इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर सवाल उठता है कि ये डेमोक्रेसी है क्या, या डेमोक्रेसी केवल इतनी है कि आपको कुछ दिनों में एक चेहरा बदल जाता है लेकिन जो आता है वो एक कुछ सेट पैटर्न्स हैं, सेट पॉलिसीज है, विदेश नीति के मामले में, आर्थिक नीति के मामले में, वही उसका पालन करता है। अगर यह बात, जिसको कि मानने का आज आधार और ज़्यादा मजबूत हो गया है, अगर ऐसी स्थिति है तो फिर एक सवाल उठता है कि क्या ट्रंप भी अगर जीत जाएंगे तो अमेरिका की बुनियादी नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसा कि 2020 में बाइडेन के जीतने से नहीं हुआ। कुछ सामाजिक नीतियाँ उनके यहाँ बदलती हैं, जो वहाँ की महिलाओं के अधिकार के सवाल पर, LGBTQ के अधिकार पे, इस पर फर्क पड़ता है, लेकिन बुनियादी आर्थिक और विदेश नीति पे कोई फर्क नहीं। और अगर विदेश नीति पे नहीं पड़ता है तो हम जो भारत में बैठे हुए लोग हैं या दुनिया में कहीं भी बैठे हुए लोग हैं उनको इस बात से क्या फर्क पड़ता है, ये सवाल है कि चाहे ट्रंप आ जाए, कमला हैरिस आ जाए, हिलेरी क्लिंटन आ जाए, कोई भी आ जाए, आखिर इन देशों को जो अमेरिका का एक जो साम्राज्यवादी उसका तौर तरीका है उसका जिसको कहते हैं कि उसका बर्न यानी उसकी जलन उनको हमेशा महसूस करनी पड़ती है। और इसीलिए आज दुनिया में इस चुनाव को लेकर कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को नहीं लगता है कि किसी को कोई बदलाव की उम्मीद है, और अब की घटना के बाद तो ये बात और भी खत्म हो गई है। तो
आज बस इतना ही, हम लोग फिर किसी और विषय पे आएंगे। आज आप सबको नमस्कार।